हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान। उसमें से टॉपिक है सेल, ब्लड एंड नर्वस सिस्टम। इन सभी टॉपिक से सभी क्वेश्चंस हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे किसी भी राज्य का हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस के हैं। एंड डेली बेसिस पे आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य होता है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कार्य होता है उत्तेजनशीलता, ठीक है, इरिटेबिलिटी। उत्तेजनशीलता इसका मुख्य कार्य होता है। कैसे दोस्तों? जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होता है, वह तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इसका कार्य जो होता है, या इसका कार्य है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशीय संकुचन यानी मस्कुलर कंट्रक्शन किस कारण होता है। तो दोस्तों, उसमें पेशी में जो कैल्शियम आयन्स होता है, उसके कारण से मस्कुलर कंट्रक्शन होता है, यानी कि मस्कुलर मसल्स जो है वो सिकुड़ते हैं, संकुचन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में गति होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस सेल जो होता है, वो सबसे लंबी कोशिका है मनुष्य के शरीर में। और दोस्तों, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, और सबसे तेज विभाजन जो होता है वह लीवर में यानी यकृत में होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जनन एपिथिलियम में कोशिकाएं होती हैं। तो कौन कोशिकाएं होती हैं? स्तंभाकार, कोल्यूमनर, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, अस्थि में सबसे ज्यादा मात्रा होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी होते हैं, कैसे होते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि लाल रुधिराणु यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो जितने भी केंद्रक युक्त दिया है ऑप्शन, वो सब तो कट हो जाएंगे, बट जिसमें केंद्रक रहित होगा वही ऑप्शन इसमें सही होगा, आपको छांटना होगा। जैसे कि जो हमारा आरबीसी होता है, जैसे आपका टैबलेट होता है, यानी कि जो दवा होता है उसके आकार का होता है, जैसे कि द्विनतोदर, प्लेट नुमा तथा केंद्रक रहित, ये होता है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि अस्थि को 3 दिन तक 10% KOH घोल में रखा जाए तो यह क्या होगा? तो यह अप्रभावित रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, रुधिर का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है। तो यह हीमोग्लोबिन के कारण जो रुधिर का रंग लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का अगर विच्छेद करेंगे तो होगा हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम से हो गया आयरन, एग्लोबिन से प्रोटीन, यानी कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसी के कारण रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है, और यह ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लसिकाएं यानी जो लिम्फ होती हैं, और रुधिर जो ब्लड है, तो यानी लसिका यानी लिम्फ और रुधिर यानी ब्लड से किस बात में भिन्न होती है। तो सबसे पहले बात यह है दोस्तों कि यह किस बात में भिन्न होती है, इसमें लाल रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। आरबीसी लसिका में नहीं पाया जाता है, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पाया जाता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC का केंद्र होता है। तो WBC का केंद्र जो है पाली युक्त होता है। नेक्स्ट है, सार्कोलेमा किसका आवरण बनाता है। तो जो पेशीय तंतु होता है
उसको उसका आवरण जो है सार्कोलेमा बनाता है, ठीक है, पेशी तंतु का। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है, तो परिपक्व लाल रुधिराणु में, मेच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिकाओं में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, सर्दियों में कभी कभी शरीर में कपकपी होती है, क्यों होती है? क्योंकि शरीर के ताप के प्रसार को रोका जाता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करता है? यह बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले श्वेत रुधिराणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में साइटोन सबसे अधिक किस भाग में होते हैं? तो यह हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कीटों के रंगहीन रुधिर में होता है, तो कीटों के रंगहीन रुधिर में लौह होता है। नेक्स्ट है उपास्थि यानी कि जो कार्टिलेज होता है उसमें पाई जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो उसमें पाई जाने उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। यही पे अस्थि कोशिका पूछेगा तो ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए टीका लगाने की खोज किसने किया था? दोस्तों तो इसको खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु युद्ध के प्रभाव से मुख गुहिका में फोड़े व बृहदान्त्र में फोड़े तथा फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन किस कारण से हो जाता है? तो लिकिमिया के कारण। नेक्स्ट है पेशी पंप क्या है, यानी मस्कुलर पंप क्या है? तो यह सिराओं पर पेशियों का दबाव होता है, इसी को हम पेशी पंप कहते हैं। नेक्स्ट है सर्दियों में कपकपी आना व दांत किटकिटाना किससे संबंधित है? तो यह ताप नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट है सुषुम्ना नाड़ी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में श्वेत द्रव्य यानी व्हाइट मैटर नाम इस कारण होता है क्योंकि यह मुख्यतः बना होता है, यह मायोलिन युक्त तंत्रिका तंतु से बना होता है। नेक्स्ट है उपास्थि यानी कार्टिलेज का बाहरी खोल कहलाता है। तो दोस्तों कार्टिलेज यानी कि उपास्थि जो होता है उसकी बाहरी खोल को पेरिकांड्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिकांड्रियम। वहीं पे अस्थि का पूछेगा बाहरी खोल तो पेरिआस्टियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कशेरुकी प्राणियों में ग्रंथियां किससे बनती है? तो कशेरुकी प्राणियों में ग्रंथियां एक्टोडर्म, मीसोडर्म तथा एंडोडर्म, भ्रूण के तीनों अवस्थाओं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोलर संयोजी ऊतक में पीले तंतु हैं, लंबे तथा शाखान्वित यानी ब्रांचेज। नेक्स्ट है सार्कोमियर किन दो के बीच का भाग होता है? तो दोस्तों हमारे पेशी तंतु में एक्टिनोमायोसिन दो फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन जो पतला फिलामेंट होता है यानी कि थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एंड मायोसिन जो होता है मोटा फिलामेंट होता है यानी थिक फिलामेंट। जो एक्टिन होता है मायोसिन छड़ों पर खिसकता है जिससे हमारे पेशियों में संकुचन होती है, तो इनको घेरा रहता है जेड लाइन, और जेड पट्टी जो घेरा रहता है इसके बीच में जो एक्टिन और मायोसिन होता है दो फिलामेंट, उस वाले बीच वाले स्थान को हम कहते हैं एक्टिन मायोसिन वाले स्थान को सार्कोमियर। यही हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है यानी कि संकुचनशील इकाई, पेशियों की संकुचनशील इकाई को सार्कोमियर बोला जाता है। तो यह सार्कोमियर जो होता है दो जेड लाइनों के बीच होता है, यहाँ पे जेड पट्टियां यानी जेड बैंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पेशी संकुचन यानी कि मस्कुलर कंट्रक्शन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों मस्कुलर कंट्रक्शन के लिए कैल्शियम आयन्स आवश्यक होता है।
नेक्स्ट है अरेखित पेशी होती है। तो दोस्तों अरेखित पेशी जो होती है वह अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। जो अरेखित पेशी यानी कि स्मूथ मसल्स जो होती है वह अनैच्छिक होती है, जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। और तुरकाकार होती है, एक केंद्रीय होती है, नुकीली होती है, ठीक है। इसको इनवॉलंटरी स्पिंडल शेप्ड एंड यूनि न्यूक्लिएटेड टेपरिंग कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लाल पल्प व श्वेत पल्प किसकी औतकीय रचना बनाती है? तो यह तिल्ली यानी स्प्लीन की रचना बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सार्कोलेमा झिल्ली किस पर लगी होती है? तो दोस्तों जैसे हमारा कोशिका चारों तरफ से कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसी तरह पेशी तंतु जो है सार्कोलेमा झिल्ली से घिरी होती है। तो पेशी तंतु यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धारीदार पेशी कहाँ स्थित होती है? तो जो धारीदार पेशी होती है वह कंकालीय पेशी होती है, यानी कि रेखित पेशी जिसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या किसमें होती है? तो हृदय पेशी में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसमें धीमा संकुचन होता है, ये आप याद रखिएगा। और यह अनैच्छिक होता है यानी कि इसमें अपने आप संकुचन होता है, और यह हृदय पेशियां कभी थकती नहीं है। थकने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से सबसे धीमी वृद्धि दर किसकी है? तो सबसे धीमी वृद्धि दर आपका है तंत्रिका ऊतक का, ठीक है, नर्वस सेल का। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, तो यह मीसोडर्म से बनता है। किससे बनता है? मीसोडर्म से। नेक्स्ट है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो संयोजी ऊतक से ऊतक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का पदार्थ बना होता है, तो यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। नेक्स्ट है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बनता है, तो यह स्तंभाकार कोशिकाओं से बनता है। नेक्स्ट है ग्रसिका यानी कि आइसोफेगस जो हमारा ग्रास नली होता है, अमाशय या स्टोमस जो हमारा पेट होता है, आंत्ररेखित यानी इंटेस्टाइन जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, ठीक है, यह होती है या क्या होती है? जैसा कि आप पहचान गए होंगे इसका सही उत्तर दोस्तों, जैसे कि ये अगर कहेंगे तो रेखित पेशी है कि अरेखित है कि हृदय पेशियां है, तो ये अरेखित यानी कि अनैच्छिक पेशियां हैं जिसमें हमारी इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह साधारण स्तंभाकार एपिथिलियम होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आधार झिल्ली बनी होती है, तो आधार झिल्ली एपिडर्मिस संयोजी ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट है रेखित पेशी यानी स्टेटॉइड मसल्स की संकुचन तंत्र की कार्यकारी इकाई होती है। तो दोस्तों कार्यकारी इकाई जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की बात करें कार्यकारी इकाई होती है आपका सार्कोमियर। क्या होती है? सार्कोमियर, जिसमें एक्टिन और मायोसिन नाम के दो फिलामेंट्स होते हैं जो एक्टिन छड़ों के मायोसिन छड़ों पर खिसकने से पेशी संकुचित होती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट यानी कार्यकारी इकाई कौन है मांसपेशी रेखित पेशी की? तो सार्कोमियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिसेप्स व गैस्ट्रोनिमियस पेशी विद्यमान है, तो यह किसमें विद्यमान है? दोस्तों यह हमारे पैरों में यानी टांगों में विद्यमान होती है। जैसा कि जो हमारे घुटने के ऊपर जो होती है पेशी उसको चतुशिरस्क यानी क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, यह क्वाड्रिसेप्स मसल्स को चतुशिरस्क भी बोलते हैं, और यह चार पेशियों से मिलकर बना होता है इसीलिए इसको चतुशिरस्क बोलते हैं। यह क्वाड्रिसेप्स करता क्या है दोस्तों? यह हमारे हिप यानी कि
सोड़ी को मोड़ने में प्रयुक्त होती है और घुटने को सीधा करने में, ये ध्यान में रखिएगा। क्वाड्रिसेप्स कौन कौन से चार पेशियों से मिलकर बनी होती है? यह रेक्टस फिमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, इन चारों से मिलकर बना होता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है। और जो गैस्ट्रोनिमियस है दोस्तों, यह जो होता है हमारे घुटने के नीचे पीछे वाले भाग जो उठा हुआ होता है उसको गैस्ट्रोनिमियस पेशी कहते हैं, जिसको काफ मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों, जांघ के सामने घुटने के ऊपर ये क्वाड्रिसेप्स पाया जाती है, उसके जस्ट पीछे पाया जाता है हेमस्ट्रिंग मसल्स। जांघ के पीछे घुटने के ऊपर आपका क्वाड्रिसेप्स होता है और उसके जस्ट पीछे जो होता है वो हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है, जिसको टीसीरस कहते हैं। यह तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फिमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। ये क्या करता है? हमारे घुटने को मोड़ने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेप्स व ट्राइसेप्स घेरे रहते हैं किसको? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो हमारे बांह होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में बाइसेप्स मसल्स होती है, उसके जस्ट पीछे ट्राइसेप्स मसल होती है। जो बाइसेप्स मसल्स होती है हमारे हाथ को मोड़ने में सहायक होती है एंड फ्लेक्शन में, और जो ट्राइसेप्स होती है हमारे हाथ को सीधा करने में यानी कि एक्सटेंशन में काम करती है। और यह किस हड्डी के घेर रहती है? यह हमारे ह्यूमरस हड्डी के, जो हमारे हाथ की सबसे लंबी अस्थि होती है, ठीक है, हमारे कंधे से लेकर हमारे कोहनी तक वह ह्यूमरस हड्डी को घेर रहती है। ह्यूमरस हड्डी के ऊपर जो होती है बाइसेप्स और उसके पीछे जो होती है वह ट्राइसेप्स होती है। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। सेल्स एंड कुछ ब्लड एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे दोस्तों, जो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसको जरूर आप बताइएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से 30-35 वीडियो हो जाएंगे। अभी ये चौथा वीडियो था, इसमें अभी मांसपेशी तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, बहुत सारे तंत्र अभी बचे हुए हैं। तो उन सभी से क्वेश्चंस अभी आपके 30-35 वीडियोज में मिलेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बेहतरीन तैयारी के लिए। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।